क्लास पाथ इन जावा, कि क्लास पाथ जनरली एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है जिसको हम लोग क्लास लोडर को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्लास पाथ को सेट करना होता है अपने सिस्टम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लास पाथ क्या होता है। क्लास पाथ इज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल विच इज यूज बाय एप्लीकेशन क्लास लोडर टू लोकेट एंड लोड द डॉट क्लास फाइल्स। ये जनरली यूज किया जाता है क्लास लोडर के लिए। ठीक है, जो भी हम लोग की क्लास फाइल्स होती है, जब भी हम लोग जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो जावा फाइल के साथ में जितनी भी उसके अंदर क्लासेस बनी होती है, सबके लिए एक डिफरेंट डिफरेंट डॉट क्लास फाइल बनती है। उस डॉट क्लास फाइल को लोड करने के लिए हम लोग यहाँ क्लास पाथ सेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। द क्लास पाथ डिफाइंस द पाथ टू फाइंड थर्ड पार्टी एंड यूजर डिफाइंड क्लासेस दैट आर नॉट एक्सटेंशन और पार्ट ऑफ द जावा प्लेटफॉर्म, इंक्लूड ऑल द डायरेक्टरीज विच कंटेन डॉट क्लास फाइल्स एंड जार फाइल्स व्हेन सेटिंग द क्लास पाथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डॉट क्लास फाइल्स होती है, ठीक है, इधर वो जावा के डायरेक्टरीज में हो या फिर कहीं और हो, ठीक है, कहीं और अगर हम लोग, जैसे हम लोग, मैंने ई ड्राइव में जो क्लास फाइल स्टोर किया है, ठीक है, ई ड्राइव में जावा BCA 3 करके मैंने किया है, ठीक है, तो मुझे अगर वहाँ के क्लासेस को लोड करने हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ की क्लास लोड करूँ, तो क्या होगा, मुझे क्लास पाथ सेट करना होगा। ठीक है, लेकिन जो जार फाइल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इंक्लूड ऑल द डायरेक्टरीज विच कंटेन डॉट क्लास फाइल्स एंड जार फाइल्स व्हेन सेटिंग द क्लास पाथ। ठीक है, जब भी हम लोग क्लास पाथ सेट करते हैं तो जार फाइल्स और डॉट क्लास फाइल्स दोनों के दोनों वहाँ पे ऐड हो जाती है। यू नीड टू सेट द क्लास पाथ इफ यू नीड टू लोड ए क्लास दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द करंट डायरेक्टरी और एनी सब डायरेक्टरीज। ठीक है, क्लास पाथ हम लोग को कब ऐड करना होता है, कब सेट करना होता है, जब हम लोग कोई क्लास को लोड करना चाहते हैं और वो करंट डायरेक्टरी पे ना हो और या तो उसके सब डायरेक्टरीज में भी ना हो, तब हम लोग क्लास पाथ सेट करते हैं। यू नीड टू लोड ए क्लास दैट इज नॉट इन ए लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द एक्सटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग को किसी क्लास को लोड करना है वो अपने लोकेशन पे नहीं है, ठीक है, हो सकता है किसी नेटवर्क में हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा एक्सटेंशन हम लोग ने इंस्टॉल किया है वहाँ पे हो, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को अगर जो करंट डायरेक्टरी है या फिर करंट लोकेशन जिसमें भी हम लोग का जो वर्किंग डायरेक्टरी होता है, वर्किंग डायरेक्टरी के अलावा हम लोग कहीं और से क्लास फाइल को ऐड करते हैं तो हम लोग को क्लास पाथ ऐड करना होता है। ओके, जावा डॉट exe या फिर जावा सी डॉट exe पहले से इसके अंदर क्लास पाथ इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कमांड में रन करता हूँ, कमांड में मैं कमांड चलाता हूँ, जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो कैसे कंपाइल करते हैं, CD \E हम लोग यहाँ देते हैं और यहाँ CD java BCA 3 इस टाइप से मैंने किया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी, ठीक है, और मैं कोई भी फाइल को कंपाइल करता हूँ, ठीक है, जैसे हेलो डॉट जावा ऐसा मैं लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जावा सी मैंने कॉल किया है, ये क्या है, exe फाइल है, कौन सा exe फाइल है, ये वाली exe फाइल है, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट सबसे पहले क्लास पाथ को ऐड कर देगा, मींस इस डायरेक्टरी में जावा BCA 3 नाम की जो डायरेक्टरी है हमारे पास, इस डायरेक्टरी में जितनी भी क्लास फाइल है, ठीक है, उसके लिए क्लास पाथ पहले से ऐड कर देगा, मीन्स हम लोग को अलग से क्लास पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जावा सी में ही पहले से क्लास पाथ ऐड होता है, वो वर्किंग डायरेक्टरी को ऐड कर देता है, मतलब उसका पाथ सेट कर देता है यहाँ पे, तभी वो कंपाइल करता है। ठीक है, जब हम लोग रन करते हैं, ठीक है,
क्या रन करते हैं, जावा कैसे रन करते हैं हम लोग, जावा लिखते हैं और हेलो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये किसको रन करता है, क्लास फाइल को रन करता है। अब जब क्लास फाइल लोड ही नहीं होगा तो कहाँ रन पर कर पाएगा। क्लास फाइल लोड करने के लिए क्लास पाथ सेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास पाथ हम लोग कैसे सेट किए हैं, हम लोग इनडायरेक्टली जब हम लोग यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हम लोग गए तो यहाँ पे हम लोग पहले से सेट कर लिए, और यहाँ से किसकी कौन सा पाथ सेट किए हैं हम लोग, इस बिन फोल्डर का, और बिन फोल्डर के अंदर में ही जावा और जावा सी अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। द क्लास पाथ डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर सेटिंग द क्लास पाथ। द क्लास पाथ हैज ए डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम एट द एंड। द फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्क्राइब वॉट शुड बी द एंड ऑफ द क्लास पाथ। इफ ए जार और जिप द फाइल कंटेन्स क्लास फाइल्स, द क्लास पाथ एंड विद द नेम ऑफ द जिप और जार, ठीक है। क्लास फाइल एंड कैसे होगा, जिप फाइल के एक्सटेंशन में होगा या फिर जार फाइल के एक्सटेंशन में होगा, जो भी फाइल बनी होगी, ठीक है। इफ क्लास फाइल प्लेस्ड इन एन अननेम्ड पैकेज द क्लास पाथ एंड्स विद द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स द क्लास फाइल्स, ठीक है। क्लास पाथ कैसे एंड होगा, जो भी उसकी डायरेक्टरी का नेम होगा उससे एंड होगा। इफ क्लास फाइल्स प्लेस्ड इन ए नेम्ड पैकेज द क्लास पाथ एंड विद द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स द रूट पैकेज इन द फुल पैकेज नेम दैट इज द फर्स्ट पैकेज इन द फुल पैकेज नेम, ठीक है। हम लोग फुल पैकेज नेम वहाँ पे लिखेंगे, लाइक जैसे जावा है, जावा एक अपना रूट पैकेज है। हम लोग जावा को अगर खोल के देखें तो उसके अंदर बहुत सारे जार फाइल्स होते हैं, बहुत सारे जिप फाइल्स होते हैं, ठीक है। उस जिप फाइल के अंदर क्लासेस होती हैं, तो अगर हम लोग जावा को ही डायरेक्ट क्लास पाथ में सेट कर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे क्लास फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग को यहाँ पे पाथ ही बताना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। देर आर टू वेज टू सेट क्लास पाथ थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट बाय सेटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम पे चले जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सबसे पहले क्लिक ऑन द विंडोज बटन एंड चूज कंट्रोल पैनल, ठीक है, सिलेक्ट सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद चले जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स विल ओपन, क्लिक ऑन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इस टाइप से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हम लोग चले जाएंगे। देन उसके बाद क्या है, इफ द क्लास पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम वेरिएबल्स, क्लिक ऑन द एडिट बटन एंड देन पुट अ सेमी कॉलन एट द एंड, पेस्ट द पाथ ऑफ द MySQL कनेक्टर जावा डॉट जार फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग MySQL कनेक्टर जावा डॉट जार फाइल हम लोग ऐड करना चाहते हैं, ये क्लास पाथ में ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन है, ये क्या है, थर्ड पार्टी एक्सटेंशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी एक्सटेंशन इस जार फाइल के अंदर मल्टीपल MySQL से रिलेटेड क्लास फाइल अवेलेबल होगी, ठीक है, उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ न्यू सिस्टम वेरिएबल पे चले जाएंगे, अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, हम लोग चले जाते हैं दिस पीसी में, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, एडवांस सिस्टम सेटिंग, सिस्टम में जाओगे तो सेम ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल पैनल से भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है न्यू सिस्टम वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ता है न्यू में जाके, ठीक है। यहाँ पे न्यू सिस्टम वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लास पाथ, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डाल देंगे, जो भी है, ब्राउज डायरेक्टरी भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ब्राउज फाइल करके भी कर सकते हैं हम लोग, जिप फाइल को अगर ऐड करना है वो भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। अभी मेरे पास जिप फाइल अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली हम लोग को कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन हम लोग को इसमें ऐड करना होता है, ठीक है, जैसे हम लोग को डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है तो MySQL का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो MySQL कनेक्टर को अगर हम लोग को यूज़ करना है तो हम लोग इससे कर सकते हैं।